ফ্রন্ট চলে যা তোমার মত কথা বল চলে রোল শুন তো একটু ওরা দু কদম করে লুক সেন্টার করে এই পিছনে ক্যামেরা জুম কর রোলিং बिल्कुल सिंपल है जैसे इश्क है और बिकॉज माय रोल इज एक बहुत सीधी सी लड़की है और वो मॉडल बनती है तो किस तरह मीडिया में आती है तो क्लिक इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ क्लिक द कैमरा क्लिक और इश्क वो क्लिक करते करते कैसे इश्क होता है और फिर जब इश्क हो जाता है और वो क्लिक हो जाता है उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या होता है द स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट जब आप भी लाइक स्ट्रगल कर रही हो अभी और इस फिल्म से आपने कितना खुद को रिलेट किया आई थिंक मैं हूँ सोफिया डाइस इज़ मी इन अ वे बिकॉज मेरी लाइफ भी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैं जब मेरा फर्स्ट शूट हुआ था सो मुझे कहा कि कैमरे की तरफ देखें मैंने कहा प्लीज़ मुझे तो कुछ करना नहीं आता नहीं नो नो यू आर वेरी फोटो जाने का बस लाइक ओके सो मैंने ऐसे देखा ऐसे स्माइल किया और हो गया तो आई थिंक सेम सीन आज हमने शूट किया था आई कैन रिलेट विद दिस फिल्म इट्स आई कैन सी माई सेल्फ इन इट बिकॉज अध्ययन ने भट्ट के साथ काम किया है मी आई एम हेयर ओनली मीन पूजा भट्ट के साथ या विशेष भट्ट सो हमारे बीच में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है आई गेस वो बॉडी लैंग्वेज जो हमें गिफ्टेड है फ्रॉम भट्ट दैट पीपल कैन सी दैट्स दैट द बोल्डनेस एंड यू नो दैट द कम्फर्ट लेवल इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड आई थिंक इट्स लिटिल बिट स्पाइस इज देयर It's a very glamorous role. It's very dark role at the same time, because फिर इस लड़की के लिए लाइफ में कितना स्ट्रेस होता है तो लोगों को सब फ्लेवर उसमें मिलने वाले हैं एंड पीपल विल लव आर केमिस्ट्री आई गेस आज का वही सीन था कि जैसे मैंने कहा कि मेरी लाइफ में जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने कैमरे को फेस किया था सो आई थिंक मैंने वही एक्सप्रेशन यूज़ किया इसमें और इसमें जितने सीन्स हैं इस फिल्म में वो आई थिंक मीन्स अ लॉट टू मी आई कैन रिलेट माई सेल्फ फ्रॉम सोफिया डायस या फिल्म की बात करें तो क्या कहानी क्या दुल्हन में कहानी क्या कहानी है एक लड़की है जो स्मॉल टाउन से आई देखिए कहानी तो जिंदगी में एक ही होती है प्यार से शुरू होती है प्यार पे खत्म हो जाती है सो इट इज़ अ लव स्टोरी लेकिन लव में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और उन्हीं ट्विस्ट एंड टर्न से गुजरते हुए एक इश्क क्लिक अनिल बेलानी से डायरेक्ट कर रहे हैं द गुड थिंग अबाउट द फिल्म इज़ कि टीम बहुत ही इट्स अ वेरी गुड टीम हमारे डीओपी ही इज़ रियली रियली मेकिंग सच अ गुड शॉट ब्यूटीफुल लाइटिंग लोकेशंस बहुत खूबसूरत हैं आदिल शेख ने अभी एक सॉन्ग शूट किया है दैट वॉज अमेजिंग सो आई थिंक बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और इट्स अ लव स्टोरी बट इश्क क्लिक में कुछ चीज़ें ऐसी वो मैं नहीं बताना चाहती मैं चाहती हूँ लोग वेट करें एंड लेट देम वेट फॉर द फिल्म लेकिन प्यार की खबर बहुत आजकल अखबार में चल रही है आपके और अध्ययन के बीच वाली उसमें कितनी really? सच्चाई है अच्छा मैं एक ऐसी एक्ट्रेस हूँ मैं जब किसी के साथ काम कर रही हूँ और मुझे अगर किसी से सोचना है कि मुझे इससे प्यार है तो एक्चुअली आई कैन सी दैट पर्सन फ्रॉम दैट लव सो अगर लोगों को लगता है ये इतना रियल है कि पीपल आर गोना बिलीव इट सो आई थिंक इट्स अ सक्सेस ऑफ द फिल्म आई एम हैप्पी नहीं इस तरह जब खबरें आती है आपके पास आप सुनती हो आप क्या आपके मन में होता है कि क्या है खबरें व्हेन यू आर न्यू इन अ मीडिया आप जिन जिन लोगों के साथ काम करते जाते हैं लोग आपको रिलेट करते रहते हैं और आई डोंट बॉदर मैं कभी न्यूज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती बट आई थिंक आई एम जस्ट फोकस्ड फॉर माई वर्क एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी Yeah, thank you very much. Thanks.